देखो होता यह है कि जैसे ही ईयरफोन्स अपने कान में डालकर आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया तो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके कान के अंदर की ओर ट्रेवल करने लगेगा। इन साउंड वेव्स की वजह से आपके कान के काफी अंदर यहाँ मौजूद हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं जो आपको परमानेंटली बहरा कर सकते हैं। और याद रहे ये डैमेज इररिवर्सिबल है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से कौन सा ज्यादा सेफ है ये समझने के अलावा आज हमें बायोलॉजिकली ये ही समझना है कि इन साउंड वेव्स से कैसे और कितने ड्यूरेशन में ये हेयर सेल्स डैमेज होते हैं। वरना लोगों का ये भ्रम कभी टूटेगा ही नहीं कि हम तो इतने सालों से लाउड म्यूजिक सुनते हैं, हम तो आज तक कभी बहरे नहीं हुए। इस वीडियो में ईयरबड्स और ईयरफोन्स टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। थोड़ा सा बाहर आके बताऊं तो आपके कान के इस बाहर वाले हिस्से को पेना बोला जाता है। जो ये छेद होता है इसे ईयर कैनाल बोला जाता है और ये कॉनकेव शेप्ड मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो इसे ईयर ड्रम बोला जाता है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कान पर थप्पड़ मत मारा करो नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। वो कान का पर्दा यही है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बहुत बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें। आपके ईयरबड्स से जो साउंड वेव्स निकली वो इस ईयर ड्रम को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं। इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं ये तीन बोन्स। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से इन तीनों बोन्स को भी मूवमेंट देता है। इन तीनों में से ये जो लास्ट वाली बोन है इसे बोला जाता है स्टेपीज और ये कनेक्टेड होती है इस कोक्लिया से। देखो इनर ईयर के टोटल दो पोर्शंस होते हैं, एक तो ये वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा है ये कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन आपके बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा इस कोक्लिया पर। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये दो बंदे जो खाली और भरे हुए वाटर टैंक्स में बैठकर पैर हिला रहे हैं, इनमें से सेम स्पीड पर पैर हिलाने के लिए किसको ज्यादा फोर्स या ताकत लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली इस वाले को जो पानी में पैर हिला रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है और वहां ज्यादा फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेन करता है इसलिए एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है। तो हमारे ईयरबड से जो साउंड वेव्स या एनर्जी ईयर कनाल में एयर में ट्रेवल करती हुई आई उसको 20 गुना ज्यादा पावरफुल कर देती हैं ये बोन्स, क्योंकि स्टेपीज का कोक्लिया कनेक्टिंग एरिया काफी छोटा है। अब कोक्लिया के अंदर मौजूद हैं ये टाइनी हेयर सेल्स और हर एक हेयर सेल के ऊपर मौजूद है ये स्टीरियोसिलिया। सारा खेल इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया के डैमेज होने का है। जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब ये स्टीरियोसिलिया इस तरीके से बैंड हो जाता है और जब भी हम काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाउड साउंड सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स भी कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं। चिंता की बात ये है कि अगर ईयरफोन्स को सेफली यूज नहीं किया गया तो इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और आजकल यंगस्टर्स में हो भी रहा है। और दुख की बात ये है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इसका कोई भी इलाज नहीं है। बट वेट, ये सारी बातें कितनी इम्प्रैक्टिकल साउंड होती है ना, ये हम भी जानते हैं और ये डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बिना ईयरफोन्स के लाइफ नहीं चलने वाली। चलो एक बार के लिए माना कि जो लोग मजे के लिए सुनते हैं वो ईयरफोन्स लगाना बंद कर देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो स्टडीज के लिए ईयरफोन्स यूज करते हैं, जो लोग कोर्सेज देखते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठ के एडिटिंग करते हैं, जो लोग शौचालय में रील्स देखते हैं, उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ना? हाँ, सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर्स क्लियरली इस बात को मेंशन करते हैं कि 60% से ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं सुनना है और 60 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना है। अगर आप ये 60-60 रूल फॉलो करते हो तो आपके ईयर्स ईयरफोन यूज करने के बाद भी 100% सेफ हैं। लेकिन अगेन ये बात भी टोटली इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों घंटों चलती हैं या ऑफिस में बैठ के लोग 8-8 घंटे एडिटिंग करते हैं। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर ये रवि नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया और लॉन्ग आवर्स तक अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल पर वापस आए और बताने लगे कि अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच के डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है। जब आप ईयरफोन यूज करते हो तो सोर्स ऑफ साउंड और कान के पर्दे का डिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी ईयरफोन या ईयरबड्स ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज करने वाले ऑप्शंस में से सबसे खतरनाक और सबसे बकवास चीज है। ये कुछ ऐसा है जैसे दो छोटे छोटे स्पीकर्स एकदम आपके कान में घुसा ही दिए हैं। जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो साउंड सोर्स से ईयर ड्रम की दूरी थोड़ी सी और ज्यादा है। रिसर्चेस और वेरियस स्टडीज इस बात को साफ साफ प्रूव करती हैं कि ओवर द ईयर हेडफोन्स ईयरफोन्स के कंपैरिजन में फार फार बेटर हैं, अगर कानों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो। अब चूंकि रवि का घर बहुत बिजी और मेन रोड के पास में ही था, इसलिए डॉक्टर साहब ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप हेडफोन्स की कैटेगरी में भी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स खरीदते हो तो वो और भी सोने पे सुहागा है। असल में हाई क्वालिटी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के अपने माइक होते हैं। इन माइक्स की हेल्प से नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स सराउंडिंग साउंड्स को सुनते हैं। जैसे रवि के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया उस साउंड वेव में पीक्स और वैलीज होंगी। नॉइज कैंसलिंग
लिसनिंग हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा, वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उस साउंड वेव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, साउंड वेव में जो पीक्स हैं उनको डाउन करने के लिए, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा करने से नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स रवि के स्टडी टेबल तक आने वाली सराउंडिंग साउंड्स को रोकेगा और हेल्पफुली रवि अपने स्टडी लेक्चर्स कम वॉल्यूम में सुन पाएगा, अल्टीमेटली सेविंग हिज ईयर ड्रम्स एंड हेयर सेल्स। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स बैकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोम्स भी यूज करते हैं, जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सील करते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी तो स्टडी करते वक्त वीडियो लेसन को केयरफुली सुनने के लिए रवि अपनी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो कान भी सेफ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स की सेफ्टी के लिए रवि को दी बेस्ट बात बताई, जो मैं खुद भी पर्सनली अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ, ना ईयरफोन्स और ना ही हेडफोन्स। अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स यूज करो। अगर रवि अपने रूम को ज्यादा से ज्यादा साइलेंट करके स्पीकर्स यूज करता है कम वॉल्यूम पर, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, दूसरा आपके ईयर कैनाल फ्री है और उनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूं समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरली जो वैक्स है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को रोककर ट्रैप कर लेता है। इससे बैक्टीरियाज आपके कान के अंदर नहीं जाते और इन्फेक्शन रुकता है। लेकिन घंटों घंटों तक जब हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं और ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियाज ट्रैप नहीं हो पाते, दस लीडिंग टू इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स यूज करते हो तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके कान के अंदर ओटिटिस एक्सटर्ना या पिंपल हो जाए। ओटिटिस एक्सटर्ना एक सीरियसली बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके भारत में टोटल 10 लाख केसेस आते हैं हर साल। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, आउटर ईयर लाल पड़ जाता है और कान में सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट, डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और नॉइस कैंसलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है, सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और समझाया कि हियरिंग लॉस का जो लेवल आपके दादा दादी का है, वो सेम हियरिंग लॉस का लेवल आपका होगा सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र में ही, अगर आपने ईयरफोन्स को यूज करने का सही तरीका अभी से नहीं अपनाया तो। डॉक्टर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को मिसकंसेप्शन से कंपेयर किया जो लोगों में बुढ़ापे और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ तो वो आएगा ही, लेकिन असलियत ये है कि स्किन पर ये सब लार्जली सोलर रेडिएशन और यूवी डैमेज की वजह से होता है। सिमिलरली, अरे इनके तो कान चले गए हैं जैसे शब्द आज हम जो अपने दादा दादी के लिए यूज करते हैं, ऐसे शब्द हमारी जनरेशन के लिए 45 से 50 साल की उम्र में यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि हियरिंग लॉस एक नॉर्मल हेल्दी एजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का सिग्निफिकेंट पार्ट है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की तरह ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली हमें ये बात पहले समझने की जरूरत है। जाते जाते डॉक्टर साहब ने रवि के पेरेंट्स को साफ साफ बोला कि इस बात का खास ध्यान रखें कि लंबे समय तक ईयरफोन्स का यूज करते वक्त रवि हर 30 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है और हर 60 मिनट्स में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है। इस वीडियो पर क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं।